नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर से समाजीकरण के अभिकरण को देखेंगे, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें जो है परिवार, पास पड़ोस, जाति, समुदाय, विद्यालय और विभिन्न जो संस्थाएं हैं उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार एक ऐसी संस्था है जहां बालक समाज के तौर तरीके सीखता है, अपनी संस्कृति की जो है प्रारंभिक बातों का ज्ञान उसे परिवार से ही होता है, वहीं पर जो है उसका व्यक्तित्व का विकास वह करता है। परिवार का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व भी होता है, परिवार के द्वारा अपनेपन की भावना का विकास होता है। भिन्न भिन्न परिवारों की रुचियां, बोलचाल, उसके ढंग, रहन सहन, तौर तरीके जो है अलग अलग होते हैं। परिवार के द्वारा बालक के बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वह अतीत में जो है परिवार ही समाज की आर्थिक, सामाजिक तथा धर्म संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करता है। बालक जो है पाठशाला की अपेक्षा परिवार में अधिक समय तक रहता है। किसी बच्चे का समाजीकरण किस सीमा तक होगा यह उसके परिवार की स्थिति पर निर्भर करता है। उसकी योग्यता क्या है, प्रवृत्ति क्या है, परिवार के लोग कितने शिक्षित हैं उस पे निर्भर करता है। अशिक्षित परिवार में भद्दी और चलाऊ भाषा का प्रयोग होता है। परिवार के सदस्य के मध्य अच्छे संबंध जो है बच्चों में मानवीय गुण जैसे कि प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सहन शक्ति आदि का जो है विकास होता है, जबकि बुरे संबंध से कलह, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट आदि अवगुण जो है बच्चे में जन्म लेता है। परिवार से बालक का जो है योग्यता और उसकी रुचि भी निर्भर करता है। इसके आधार पर जो है बालक में समाजीकरण भी होता है। बालक पास पड़ोस में अपने जो है उसके समान जो बालक होता है उसके साथ वह खेलता कूदता है, उसके साथ रहता है, लड़ता झगड़ता है, कभी वह दूसरे बच्चों के साथ सहयोग करता है, कभी उसका विरोध करता है। लेकिन यह सब जो है विरोध क्षणिक होता है, अगले ही क्षण जो है बच्चे आपस में मिलकर खेलने लगते हैं। स्वभाव का यह लचीलापन जो है समाजीकरण में बहुत ही सहायक होता है। इससे बालक जो है एक दूसरे से व्यवहार करना, सहयोग करना, संघर्ष करना, आलोचना को सहन करना आदि गुण को जो है सीखते हैं। बालक में जो है नेतृत्व क्षमता का भी विकास यहीं से होता है। बालक अपने जो है समूह का नेता बन जाता है और सभी बच्चे जो है उनका कहना मानने लगते हैं, तो बच्चों में जो है इस संसार में उनका समाजीकरण अत्यंत सामाजिक ढंग से होता है। पास पड़ोस का जो वातावरण समाज विरोधी है तो बच्चा जो है वही सीख जाता है और उसका स्वभाव, स्वास्थ्य, मनोवृत्ति जो है वैसा ही बन जाता है। जाति से जो है बालक में सांस्कृतिक उपलब्धियां, परंपराएं, रीति रिवाज तथा प्रथाएं जो है ये सब बालक में सीखने को मिलता है और वह अपने जो है जाति के बच्चे के साथ समाजीकरण करता है। अलग अलग बच्चे को जो है अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं जिसका जो जाति होता है। बालक जब आपस में खेलता है तो इन सारे बच्चों के साथ मिलने से उनमें जो है समाजीकरण होता है। समुदाय में जो है अलग अलग प्रकार के सभ्यता, भाषा, संस्कृति होते हैं। जब दो समुदाय के बच्चे आपस में मिलते हैं तो उसमें जो है भाषा, सभ्यता और संस्कृति का जो है समाजीकरण बड़े ही आसानी से होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही दिशा का अनुकरण करना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब दो समुदाय के बालक आपस में मिलते हैं तो उसके साथ जो है समाजीकरण नहीं कर पाते हैं और समाजीकरण में जो है यह बाधक बन जाता है। बच्चे का समाजीकरण समुदाय की क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने से ही होता है। बच्चों को हमेशा जो है सामुदायिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए
अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसका जो है बहुत ही अच्छे तरीका से उचित तरीका से समायोजन हो सके। अगला है विद्यालय। विद्यालयों में भिन्न भिन्न परिवारों, जातियों, धर्मों, आर्थिक स्तर व भिन्न सामाजिक स्तर के बच्चे एक साथ जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन बच्चों की भाषा और व्यवहार जो है अलग अलग होते हैं। विद्यालय बालक को एक ऐसा पर्यावरण देता है जहाँ जो है सभी बच्चे आपस में सामूहिक क्रिया में भाग लेते हैं और समाज की सर्वमान्य भाषा और आचरण की जो है सभी विधियों को सीखते हैं। किसी भी समाज में समायोजन करने योग्य वो हो जाते हैं। यह जो है बालक विद्यालय से सीखते हैं और बालक का जो है विद्यालय में समाजीकरण अच्छे तरीका से होता है। वास्तव में परिवार, पास पड़ोस, समूह, जाति और समुदाय के बच्चों का जो भी समाजीकरण होता है उसे विद्यालय ही बौद्धिक आधार प्रदान कर उसी दिशा में जो है उसे अस्थायित्व देता है। समाज में विभिन्न संस्थाएं होती है जैसे कि राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक। ये सभी संस्थाएं बालक को समाजीकरण में जो है प्रभावित होने में सहायक होती है। जैसे कि राजनीतिक संस्था है, इसके संचालन कार्यक्रम में जब बालक भाग लेता है तो उसे निरंतर नए अनुभव होता है। इससे वह अनेक बातों को सीखता है और उसे अपने व्यक्तित्व का जो है अंग बना लेता है। धार्मिक संस्था के द्वारा बालक में जो है अच्छे मानवीय गुणों का जो है उसमें विकास होता है। आर्थिक संस्था से व्यक्ति के व्यवसाय पैसे पर जो है प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसा ही वह अनुभव भी करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जन्म के बाद बच्चे जिन सामाजिक समूहों में रहता है उनके नियम, व्यवहार, प्रतिमान का प्रभाव जो है उस पर पड़ता है। ये सभी समूह जो है शिक्षित होते हैं, वह सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार जो है आचरण करते हैं और अपना एक उचित समाजीकरण की ओर दिशा प्रदान करते हैं। तो ये था समाजीकरण के अभिकरण। सभी एक दूसरे से मिलता जुलता है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। आशा करती हूँ कि आप इसे एक से दो बार में सुनने के बाद समझ जाएंगे। धन्यवाद।